वंशगुरुश्च कृपा सिन्धुर्भवेश पावने को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासन श्री गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम करें
काशी लेखक सूर्य श्रीचंद्रशेखर तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर तपन स्त्री घरे भिक्षा निर्वाहन सन्नासी संगीत नाही माने निमंत्रण। चंद्रशेखर के घर में महाप्रभु रहते थे और तपन मिश्र के घर में भिक्षा मैंने प्रसाद ग्रहण करते थे। इस कारण से महाप्रभु उसी समय एक महाराष्ट्र ब्राह्मण जो है वो महाप्रभु अपने घर में निमंत्रण किया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु कहीं जाते नहीं थे किंतु उनकी आग्रह देख करके महाप्रभु स्वीकार किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिस कारण से सन्यास लिया यहाँ पर भी वर्णन भी कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु सभी की जय प्रेम दान करने लगे। उसी विवाह प्रेम बनना चोरी के बेड़ा स्त्री वृद्ध बालक युवा सवरे युवा सज्जन दुर्जन पंगु जड़ंध गण प्रेम बनना डुबाइल जगत जगत डुबिल जीवे धोल बीजनाश कहा देखी पांचने पर लाश। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास पंडित पांचन जो बहुत प्रसन्न है। पंचतत्व यतः तो प्रमिष्टि करे पंचजमान ततः तो मरिजल व्यापी त्रिभुवन मायावादी कुकर्मनिष्ठ कुतार्की गण निंदु पसन्न निजत पड़ुआ अधन सही सब महादक्ष धैया पलाइल सही बन्नाथ सवरे छुईते नारिल तहा देखी महाप्रभु करण चिंतन जगल डुबिल अमी कर्ण चिंतन केह केव रैल प्रतिज्ञा हुईल भंग आसवा डुबाइते पात्र किछु रंग। चैतन्य महाप्रभु मन में विचारे सबको मैं प्रेम प्रदान करूंगा यही तो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिज्ञा इसको छोड़ेंगे सबको प्रेम प्रदान। किंतु विशेष करके छह प्रकार के व्यक्ति जो है महाप्रभु के प्रेम बनना भी और प्रेम रूपी बाल में डूबना नहीं चाहते। छह प्रकार के व्यक्ति उन पर याद रखना पड़ेगा। मायावादी संतो संप्रदाय के मायावादी कहते हैं आज भी हम लोग उनके मायावादी कहते हैं किंतु वो लोग मैं अपने को मायावादी नहीं कहते। अभी जो संकर संप्रदाय के जो अभी जो है गवर्नमेंट उनकी कोई पत्रकार पत्रकार आकर उनसे ये ले रहे इंटरव्यू ले रहे ये गोगे वैष्णव के लोग आप लोगों के मायावादी अपराधी क्यों कहते हैं उनके डायरेक्ट पूछा आप यूट्यूब में देखा है मैंने पत्रकार को इंटरव्यू लेते हैं ना वो डायरेक्ट पूछा चैतन्य कष्ट लिखा मायावादी अपराध ये हमारे लिए कहता ना कृष्णदास कविराज ने लिखा आज मैंने क्या बोला मायावादी अपराध। और विशेष करके संप्र संप्रदाय की बड़ी बात होगी ना उनके पत्रकार पूछ रहे हैं या आप लोग क्यों कर तो वो कह रहे हैं कि गोडे कौन है वो जो प्रभुपाद जो है ये प्रभुपाद किसको कहते हैं अंग्रेज की जो प्रभुपाद संकार है तो उसमें कह रहे हैं उन लोग पूछो है हम लोग अपराधी के जो कह रहे हैं वो लोग अपराधी है कौन कह रहे समझ में आ रहे वही गुरु शंकराचार्य जी का जो है
बोले हम लोग अपराधी नहीं, जो कह रहे हैं कोई लोग अपराधी नहीं। बोले क्यों? बोले अच्छा बताओ उनके बारे में उनके चैतन्य किससे संन्यास लिया है? भारतीय भाषा से संन्यास लिया और भारतीय भाषा हमारे संप्रदाय की महापुरुष किससे संन्यास लिया? कैसे भारतीय भारतीय संप्रदाय कैसे भारतीय? तो वो लोग कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, मैंने उनके कथा में सुना है। बोले उनके जो गुरु चैतन्य जो वो चैतन्य कह रहे हैं, महापुरुष नाम नहीं लिया, अरे चैतन्य जो है उनके गुरु चैतन्य, मूल गुरु उनके चैतन्य है, उनके गुरु किससे दीक्षा ली? सन्यास लिया, सन्यास दीक्षा ली ना भारती केशव भारती से, और केशव भारती हमारे संप्रदाय। तो लोग जो कह रहे हैं उसमें वो शब्द कह रहे हैं जो अपराधी हम लोग अपराध कहते हैं, अपराधी कहते हैं, वो स्वयं अपराधी है, वो अपने पैर में अपने आप कुल्हल कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप पढ़ा कभी वो स्वयं कहते हैं आज नहीं मेरी कहीं की तरफ यह है हम लोग मायावादी कर देंगे, वो लोग अपने को मायावादी को स्वीकार नहीं करते, सीधी बात। चैतन्य चरितमृत में कई जगह मुनि को जगह में उन लोगों के लिए मायावादी कहा, मायावादी कर्मनिष्ठ उतार्किकं निन्दुपसंदीयत पौरुवा अधम सही सब महादक्षिण धैर्य पलाई लो सही बनना था सवरी छुनते नारी लो। तो महापुरुष की ये प्रेम धर्म में ये छह प्रकार के लोग भाग गए स्नान, महापुरुष के प्रेम धर्म में वो स्नान नहीं हुआ। कौन कौन छह प्रकार के लोग? मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक, निंदु, पाषंडी और बोलवा। हो गया छह, तीन ही लिखा है। एक तो मायावादी हो गया, दूसरी हो गया कर्मनिष्ठ, तीसरी हो गया कुतार्की, चौथी हो गया निंदु, पांचवा हो गया पाषंडी और छठवा हो गया बोलवा। स्टूडेंट जो पढ़ने के पास पंडित महाप्रभु करण चिंता में जगद जतन यह प्रतिज्ञा हो भंग महाप्रभु विचार करके मैं जो प्रतिज्ञा की सबको प्रेम दान प्रदान करूंगा। किंतु ये छह प्रकार के व्यक्ति वंचित है। बोले मन किछु करिया विचार सन्नास आश्रम प्रभु कैल अंगीकार। महाप्रभु सन्नास लेने के लिए अनेकों कारण जत किया, इसमें एक कारण यहाँ पर बता रहे हैं। एतु बोले माने किछु करिया विचार सन्नास आश्रम प्रभु कैल अंगीकार। इस प्रकार महाप्रभु सन्नास ग्रहण कर, क्यों 26 वर्ष छिल गृहस्थ आश्रम में पंचविंशति वर्षी कैल जति धर्म सन्नास करिया प्रभु कैल आकर्षण जतेक पलाइय छिल तार्किकं पौरुवा पाषंडी कर्मी निंदु विजत ताहि प्रभु पाय हय अवनत। एक जगह में पर नहीं से एक जगह में महाप्रभु जी कहने लगे सन्नास सन्नासी देखिए अमाय कोरिले प्रणाम, सन्नासी देखकर मुझे प्रणाम कर प्रणाम करेंगे, इससे उनके सारे अपराध में क्षमा कर दूंगा। पसंदी करवी निंदे जाता तहासी प्रभुपाय हय अवनत अपराध घमाइल प्रभु प्रेम जले देवाड़े प्रभु प्रेम जले। प्रणाम करने से सब अपराध क्षमा हो जाएगा। महाभारत में ही तो दिखाया
है युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने ऐसे बाण संधान किया, वो बाण जाकर के पहले किसके चरण में लगा है, विष्णु पितामह एक ही साथ दोनों का है। तो उस समय वो लोग क्या करने लगे हैं, विजयी भाव है। देखो विजयी भाव सुनते ही विक्टोरियस अर्जुन ने विश्व के पहली अर्जुन ऐसे बाण संधान किया, वो बाण जाकर के विष्णुवर्ग के चरण में जाकर के गिरा। तो उससे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इन लोगों ने किया कि क्या आशीर्वाद दिया, विजयी उससे दुर्योधन बिगड़ गए, बोले हमारे पक्षों के युद्ध करने के लिए आए हैं और आशीर्वाद उनको क्या दे रहे, इसके तात्पर्य क्या है। तो उसमें भीष्म पितामह बहुत सुंदर समझाया, बोले तुम तो घमंडी हो दुर्योधन, तुम घमंडी हो, उसने सुंदर सा पुत्र करके संबोधन करे सर, तुम भी यदि हम प्रणाम करते तुम्हें पर मैं आशीर्वाद दूँ। क्योंकि वैष्णव के गुण होता है क्षमा गुण वैष्णव में हर समय होता है। कोई भी अपराधी व्यक्ति है, जैसे भी अपराधी व्यक्ति एक बार सिर को जब नमाते हैं प्रणाम करते हैं उनके सारे अपराध अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो आशीर्वाद दे किसी को प्रणाम करो और अपने आप उनके दोनों हाथ आपके सिर पर आ जाए, जाएगी कि नहीं जाएगा बताओ। तो उसी महाभारत में कह रहे हैं भीष्म पितामह कह रहे ये पुत्र दुर्योधन तुम तो घमंडी हो, सिर ऊंचा करके रहो, तुम भी यदि प्रणाम करते मैं तुमको भी विजयी भव कर दे। तो महाप्रभु इसी प्रकार कह रहे हैं सन्नास में करें सन्नास बुद्धे हमारे कोई भी प्रणाम सन्नास यहाँ पर कहीं सन्नास बुद्धे हमारे कोई भी प्रणाम तुझे मुझे सन्नासी मान करके एक बार प्रणाम भी कर ले तो उनको क्या हो गया सारे अपराध को मैं क्षमा कर इसलिए कह रहे सन्नास करी सन्नास करिया प्रभु पहला वर्षम जते पलाय चलो तार्किक प्रभु कृपा अवतार प्रभु चातुरी पपा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी के प्रेम प्रदान करने के लिए इसलिए उन्होंने सन्नास भी ग्रहण किया। तभी निज भक्त गणे कैल तभी निज भक्त गणे कैल जत मृक्ष आदि सबे डाइल मात्र काशी मायावादी वही भाई मायावादी के प्रकार कई जगह में चंद्र चिंतन होते मैं एक बार गिन रहा था कितने बार कितने 50-60 बार का कम से कम 50-60 बार जो है मायावादी 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 वृंदावन जयते प्रभु रहिला काशीते मायावादी गंधारी लागिल निंदिते सन्नासी होइया करन गायन नाचन ना करे वेदांत श्रवण करे संकीर्तन मूर्ख सन्नासी निज धर्म नहीं जाने भावु होइया भरे भक्ति रिसन। बोलो महापुरुष निंदा करने लगे हैं, देखो सन्नासी होकर के सन्नास धर्म की विधि पालन नहीं करते हैं, लोग इकट्ठा करके क्या करते हैं नाचते हैं गाते हैं और संकीर्तन करते हैं, ना करे वेदांत श्रवण। सन्नास के धर्म क्या है, वेदांत श्रवण करना चाहिए हैं, इसलिए करें ना करे वेदांत श्रवण करे संकीर्तन मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने भावु भैया फेरे भावु देर सन। महापुरुष की गाली देने कैसे मूर्ख सन्यासी सन्यास धर्म पालन नहीं करें
अरे सन्यासी तो एक जगह में बैठ करके वेद अध्ययन के वेदांत दर्शन पढ़े, शंकराचार्य की प्रणीत जो वेदांत दर्शन वेदांत भाष्य है, वेदांत से शंकराचार्य की वेदांत भाष्य का अध्ययन करने चाहिए, ये सन्यासी की कर्तव्य है। किंतु देखो कैसे मूर्ख सन्यासी है, भाबू भैया मेरे भाव के सर सुनिया प्रभु बोल हंसे मने मने उपेक्षा करिया करो ना करिला संभाषण है। महाप्रभु मन मन चिंतन करने लगे इनको कैसे उद्धार कैसे करें, उपेक्षा करिया कहिला मथुरा गमन मथुरा दिखे पुनः कहिला आगमन काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्र शेखर तब आसी रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। इस प्रकार महाप्रभु काशी छोड़कर के फिर मथुरा आदि दर्शन किया, वृंदावन के दर्शन करके पुनः काशी में बढ़ा रहे। फिर काशी काशी में चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर में एक दीक्षा ग्रहण करते थे, चंद्रशेखर के घर में रहते थे और तपन मिश्र के घर में भोजन आदि करते थे। ये तपन मिश्र क्या बोले गोपाल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी के नाम तपन मिश्र, यही तपन मिश्र महाप्रभु की पूछा था जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल पूर्व बंगाल में गए नाम संचार करने के लिए, उन्होंने यही प्रश्न पूछा ये हमारे साधक क्या है साधन क्या, तो महाप्रभु ने उनके यही उत्तर दिया साध साधन हरिनामी सफली मिला, साध साधन के कलिजे में एक उत्तर नाम संकीर्तन हरिनाम के लिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम करो नाश से नाश। इस कलिजे में और कोई साधन नहीं और कोई साध नहीं, एकमात्र साधन साध क्या है हरिनाम नाम संकीर्तन। कथा वर्णन है तो सन्यासी संज्ञानी मात्रे तपन मिश्रे घरे भिक्षा निर्वाहम, सन्यासी संज्ञ नहीं माने निमंत्रण सनातन से सन्यासी ताहि मिलिला ताहर शिक्षा लगे प्रभु दुई मास रहिला। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु काशी दो महीने तक रहे और दो महीने तक चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी पाद के लक्ष्य करके वो सनातन शिक्षा जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हम लोग भी कभी कभी दो महीने उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, संक्षेप में बोलते जा रहे हैं जहाँ का उसके साथ सनातन शिक्षा संबंध और प्रदिधि और प्रयोजन तत्व के बारे में उसमें यह पर भी कार्य तारे सिखाई लो सब वैष्णवे धर्म भागवत आदि शास्त्री गुण मर्म इतिमदे चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखिया प्रभुपाद कैल निवेदन हते सुनिबा सुनिबा प्रभु तमार निंदन ना पारि सहित बे छाड़ब जीवन तुम्हारे निंदे जत सन्नासी गण सुनिते ना पारि फाटे हृदय श्रवण इहा सुनि कहे प्रभु ईशत हासिया हेन काली एक विप्र मिलिल आसिया आसी निवेदन करे चरणे धरिया एक वस्तु मागो देह प्रसन्न होइया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब काशी में रहने लगे और ये चंद्रशेखर मिश्र और ये चंद्रशेखर और तपन मिश्र महाप्रभु जी कहने लगे प्रभु हम कब तक ये निंदा श्रवण करते हैं, और इसके पश्चात महाप्रभु निकट चरण में प्रार्थना करने लगे तुम्हारे निंदे जत सन्यासी गण सुनिते ना पारी फाटी हृदय श्रवण यह सुनी कहे प्रभु ईशत हसिया सही करे विप्र मिलिल आसिया। उसी समय महाप्रभु जब मंदिर स्नान करने लगे उस समय ब्राह्मण आकर के महाप्रभु के पास निवेदन करने लगे क्या बोले हाँ
आसी निवेदन धरिला एक वस्तु मांग देह प्रसन्न होइया सकल सन्यासी मुनि कहिलु निमंत्रण तुम जिदि आयस पूर्ण भाई मोर काम এই যাহ সন্ন্যাস না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী ইয়া আমি জানি প্রভু হাসিনী মরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ও ব্রাহ্মণ চান্ডী প্রভু মুঝে পতা হে আপ সন্ন্যাসী কে সাথ নেই মিলতে কহি নেই জানতে হে ফির তো মেরা নিবেদন হে যে মাই সারি সন্ন্যাসী কো বুলায়া আপনে গৃহ মে প্রসাদ কে আপ ভি কৃপা করকে পধারি प्रभु हसी निमंत्रण कैल अंगीकार संग सन्यासी रे कृपा लगी एवं गीताहार यद्यपि महाप्रभु सन्यासी के साथ न बैठते थे न प्रसाद ग्रहण करते थे फिर वो सन्यासी की कृपा करने के लिए महाप्रभु उस शुक्र के निवेदन के शिकार कर लिया তাহার উপরে নায়তা রক্ত আর দিনে গেলা প্রভু সেই বিপ্র ভবনে দেখিলেন বসে আছে সন্ন্যাসীর গণে সবা নমস্কার গেলা পাদ প্রক্ষালনে রাজ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে মহাপ্রভু উনকে ঘর মে গে আর যা করকে দেখা তো বড়ে বড়ে সন্ন্যাসী যে হে উঁচে উঁচে স্থান ভর সব বেঠে শঙ্কর সম্প্রদায় কে বলে একদণ্ডী সন্ন্যাসী उनके गौरी संप्रदाय जैसे त्रिदंडी सन्यासी होते हैं उनके कितना होता है एक दंडी सन्यासी क्योंकि वो जीव ही ब्रह्म है ब्रह्म सत्य जगत नित्य जीव ब्रह्म ही पर ना पड़ा है इसलिए वो लोग जो सन्यास दंड धारण करते हैं उसके कारण तर एक दंडी सन्यास कर नमस्कार कई बात पर सब इसके बाद चैतन्य महाप्रभु सभी की प्रणाम करके वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अभिनंदन गौर करी देखो क्या कर देख लेंगे सन्यासी सभा नमस्कार गेला पाद प्रक्षालन सभी के प्रणाम करके और महाप्रभु पैर धोने की जो जगह जो है वहीं पर गए पैर धो करके और वहीं पर ही उसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए महाप्रभु जी ने दीन कितना दयनीय महाप्रभु कहाँ स्वयं भगवान पर ब्रह्म भगवान और कहाँ ये जीव है ये सारे बद्ध जीव और अपने को क्या मान रहे हम मुक्त बोल रहे हैं लेकिन कहा ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाई को माने वस्तु बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण मुक्ति जिनके हृदय में भक्ति है ही वो कहाँ से मुक्ति हो जाए और वे सन्यासी एकदंडी सन्यासी और अपने की मुक्त मान करके और कहाँ ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे और पर ब्रह्म भगवान ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल के जो है मतमस्तक होकर के आज वो पर ब्रह्म भगवान सचिनंदन गौर हरि सभी को नमस्कार पता नहीं कृष्णदास कविराज कैसे सत्य बहुत ही सत्य कितना लगता है जो पर ब्रह्म भगवान आज किसको प्रणाम कर रहे एकदम महावादी इसलिए कहते सभा नमस्कार गेला पाद प्रक्षा लगे पाद प्रक्षे लिया बसिल से स्थान बसिया कहिल किछु ऐश्वर्य प्रकार महाप्रभु वो पाद प्रक्षालन स्थान समझ में पाद प्रक्षालन यहाँ पर पैर जैसे और महाप्रभु ने किया कि अपने ऐश्वर्य के प्रकाश करने तेज को शरीर में जो तेज प्रकाश अभी करने किताब में ही शरीर में देखा ना उसमें महाप्रभु जब बैठे कितने इफाज है उनके शरीर के ज्योति के द्वारा चारी दिशा को मानो उजाला करके चित्र दिखा कितना सुंदर इसलिए
बसिया कहिल प्रभु किछु ऐश्वर्य प्रकाश तेजमय बहु कोटि सूर्य समभास प्रभावी आकर्षिया सब सन्नासी मन उठिया सन्नासी सब छाड़ी लयासन महाप्रभु जब अपने ऐसे दिव्य छटा को प्रकाश करने लगे एक नहीं एक साथ मानो सैकड़ों सूर्य की रश्मि प्रकाश हो रहे हैं वहाँ आज महाप्रभु प्रकाश सब सन्नासी आकर्षित हो प्रभाव आकर्षित सब सन्नासी रिमान उठिया सन्नासी सब छड़िया आसन प्रकाशानंद नामे सन्नासी प्रधान प्रभु के कहिल किछु करिया सम्मान जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु उद्धार करने के लिए बहुत दिन से सोच रहे कब जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में लीला आदि कर रहे उस दिन कथा सुनाया था काशी के पढ़ाई बेटा प्रकाशानंद मोर अंग करे बेटा मोर अंग करे खंड 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 वेद पढ़ाए और वेद के तात्पर्य नहीं जानते मेरा सच्चिदानंद विग्रह के शिकार नहीं तो महाप्रभु उसी समय विचार करने लगे इनको भी उद्धार करने है इसलिए मैंने काल कहा उस ग्रंथ में लिखा है जगाई माधव के उद्धार करने समय ज़्यादा नहीं लगा है गौर सुंदर नित्यानंद क्षणकाल में उद्धार करने सार्वभौमिक के उद्धार करने में कितने समय लगा एक महीने लगा चलो उसमें जुगुदेव जी लिखा है और ये प्रकाशानंद भी तीन से चार साल तो सोच फिर जब मिले तब इसमें लिखा है जाते जाते गुरुदेव फिर पर पूजन दे रहे हैं एक साल में प्रभानंद नामे एक सन्नासी प्रधान प्रभु रे कहिल किछु करिया सम्मान यहाँ इस गोसाई सुनह श्रीपा अपवित्र स्थाने होइस किवा अवसाद प्रभु कहे आमि होइ निहीन संप्रदाय तुमा सबर संप्रदाय बसिते ना जुआय महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे आप लोग तो श्रेष्ठ संप्रदाय है आप लोग भी साथ कैसे बैठे जब प्रकाशानंद आग्रह करने लगे या आइए यहाँ पर बैठे स्थान पर महाप्रभु कहने लगे प्रभु कहे अमी भई हिम संप्रदाय तुम्हारा सवर संप्रदाय बसी के नाम हुआ ये प्रकाशानंद सरस्वती है ये सरस्वती जो है ये श्रेष्ठ संप्रदाय माना जाता है शंकर संप्रदाय के विचार उनका जो है भारतीय अपेक्षा जो है सरस्वती जो है श्रेष्ठ माना जाता है संस्कृत के क्या सत्यार शार्दिका में प्रधान जो है चार आश्रम के बारे में लिखा गया मन चार सन्नासी सन्नासी का आश्रम में लिखा है आज सरस्वती जो है ये श्रेष्ठ माना जाता है इसके बाद भारत में ऐसी इसके बाद जो है वन और आश्रम दिया गया है प्रथम चार श्रेणी के जो है लिखा गया है आप देख लेना उसमें सत्य और शादी का में ये चार जो है मूल जो है इसको रखा गया इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारा सवार समुदाय घोषित न हुआ आपने प्रकाशन प्रसन्न हाथी दे भरिया बसाई दसवा मंदिर सम्मान करिया तब स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं महाप्रभु जो हाथ पकड़ करके ऊंचे स्थान पर उनको बैठा नहीं था हाँ प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं जो है नीचे उतर करके आए महाप्रभु जो पार प्रक्षालन स्थान पर जो बैठे हुए थे
महाप्रभु के हाथ पकड़ करके लेकर नहीं आप ऐसे बैठे, महाप्रभु सम्मान करके बैठा। क्यों महाप्रभु ऐसे तो ऐश्वर्य को देखा है, इसलिए आपने प्रकाशानंद हाथ से धरिया बसाइल सभा मध्य सम्मान करिया पूछिल तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य ये सब भारतीय शिष्य कहे तुम्हें धन्य साम्प्रतिक सन्यासी तुम्हें रह एक ग्रामे की कारण हम सवार नाकर दर्शन प्रकाशानंद सरस्वती क्या 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 आगे तीर्थ आगे तीर्थ तीर्थ वन आश्रम तीर्थ अरण्य तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर सरस्वती भारती अच्छा सरस्वती और भारती आगे सरस्वती तारपर भारती तारपर पुरी अच्छा दस नंबर पुरी प्रथम प्रथम दस नामी सरस्वती जो है इसमें पहले नाम गया तीर्थ आश्रम आश्रम वन गिरि पर्वत सागर और इसके पश्चात जो है सरस्वती और भारती तो सरस्वती श्रेष्ठ हो गया भारती है इसलिए महाप्रभु कार्य एक कार्य ये आप लोग तो सरस्वती संप्रदाय के और हम भारती इसलिए मैं आपसे ये छोटा है इसलिए किंतु केशव किंतु कौन है कहता आपने प्रसन्न हर्षित धरिया बसाइल सभा मध्य सम्मान करिया पूछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य ये सब भारतीय शिष्य ताहे तुम्हें धन्य उन्होंने भी महाप्रभु के फिर प्रशंसा करने लगे ये आपके नाम से श्री कृष्ण चैतन्य आप केशव भारत के शिष्य है आप धन्य साम्प्रतिक सन्यासी तुम्हें रह एक ग्रामे कि कारण आम सवार न कर दर्शन सन्यासी हैया कर नर्तन गायन भागु हैया सब संगे रह कर कीर्तन आप लोग भी आप भी सन्यासी हम लोग भी सन्यासी 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 एक साथ मिलना चाहिए किंतु आप हमारे साथ ना बैठते हैं ना मिलते हैं कुछ नहीं करते और सन्यासी के धर्म क्या है वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म कहाँ चली क्या करो भवके कर्म आप सन्यासी होकर के सन्यास धर्म पालन नहीं कर रहे सन्यासी धर्म क्या है वेदांत पाठ ध्यान आदि शंकर संप्रदाय के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म और तत्त्वमसि ये सब होना चाहिए है किंतु ये सब नहीं करके आप कह रहे भावुक भाग है बस हाथ उठा करके है और लोभ हटा करके आप चल रहे प्रभाव ये देखिए तुम्हारे साक्षात नारायण हिनाचार करो कहने ये देखिए कारण ये आपके जो जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं प्रभाव ये देखिए तुम्हारे साक्षात नारायण नारायण किस है सब दिखाई पड़े किंतु आप हीन आचार क्यों करते हैं महाप्रभु दीन ही नहीं होते कहने लगे प्रभु कहे सुन श्रीपादि हर कारण गुरु मरे मूर्ख देखे करिल शासन मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जब सदा ए मंत्र सार कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण महाप्रभु बहुत दीन ही होकर करने लगे सुन श्रीपाद महाप्रभु कितने सुंदर संबोधन भी करने लगे उनकी क्या करें श्रीपाद करके संबोधन कर लगे प्रभु के ही सुन श्रीपाद यहाँ कारण गुरु मरे मूर्ख देखी करी लो शासन मूर्ख तुम्हें तुम्हारे वेदांत अधिकार तथा तो इसी प्रसंग पर मानो महाप्रभु इसी प्रकार करें एक दिन मैं गुरुदेव के निकट खड़े प्रश्न किया गुरुदेव मैंने देखिए विद्यापति पंडित तो नहीं है आज जो मैं क्या करूँ संस्कृत में मेरा ज्ञान नहीं है कि वेदांत दर्शन आदि पाठ
तो गुरुदेव मुझे शासन करने लगे। कहते गुरु मरे मूर्ख के करला शासन, मूर्ख में तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। एक्चुअली ये सब कथा के उपज ही कोई हो रहा है, इसको बोले मां अच्छा मुल्लू के लिए कहा। कथा भी कुछ कहा जाता है ऐसे, एक संस्कृत में एक होता है क्या नहीं, मैं अपने के तरफ तो ले रहे हैं किंतु वास्तव को अपने तरफ नहीं लेते, दूसरे की तरफ देते हैं। संस्कृत में होता है क्या नाम याद भूल गया था। अच्छा जिस प्रकार सुनो, जैसे बोले एक आते ना बांग्ला बोले जी के मेरे जी के बो के सिखाना है। आज अपने घर में जो काम करने वाले आते हैं वो तो काम करती है, और घर में जाकर नई जो बहू आई है वो काम नहीं करती है। उनके कहते हैं तुम ये काम नहीं क्यों करते, देख बहू समझ जाती है ऊपर से तो काम करने काम जो करती है उसको शासन कर रही है, किंतु वास्तव में शासन किसको हो रही है। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु स्वयं पवित्रकार है, गुरु मेरे मूर्ख देवी कर शासन, अर्थात मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख कौन है तुम लोग, ये समझना चाहिए। संस्कृत में भी शब्द होता है, बाद में देख करके बताएंगे याद करेंगे। प्रभु कहे सुन सिपाद हार करण, गुरु मरे मूर्ख देखे करिला शासन, मूर्ख तिमे तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। कृष्ण मंत्र जप सदा कृष्ण मंत्र सार, कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते भावे कृष्ण चरण। तो कहने लगे देखो मैंने एक दिन कहा गुरुदेव मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा विद्या पंडित तो कुछ नहीं, वेदांत पढ़ने के लिए संस्कृत में अगाध ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वेदांत में जो बहुत टीका टिप्पणी सूत्र रूप में सब कुछ लिखा गया है। एक भागवत के श्लोक एक अक्षर का दो अक्षर में लिखा गया है, भागवत के पूर्ण ज्ञान नहीं होने पर टीका सब लोग पढ़ नहीं पाए। भागवत की टीका पढ़ना जो है वो बहुत कठिन होता है, जितने भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ के टीका आदि जो है इसके टीका पढ़ने के लिए भागवत मुझे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि श्लोक के जो है केवल अर्ध अक्षर व अर्ध श्लोक में दे दिया गया है, और उसके और एक ही लाइन में बोलते जा रहे हैं कहाँ पर खत्म होगा कहाँ से कैसे बोले किसके साथ जोग होगा। तो आपके टीका पढ़ना बहुत कठिन होता है, अपार संसार में संस्कृत में ज्ञान नहीं होने पर टीका पढ़ना बहुत कठिन होता है, और किसके साथ कैसे कौन कारक विभक्ति संधि आदि लगेगा उसके भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जी मैं मूर्ख हूँ तो मैं कैसे पढ़ूँ। तो उसमें गुरु मरे क्या कहने लगे, कृष्ण देखो कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार, कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। नाम बिना कलि कले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। इस कलिजुग में कुछ करना नहीं है केवल भगवत नाम कीर्तन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नाम बिना कलि कले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार ए शास्त्र मर्म। ये तो बोली एक श्लोक सिखाई लो मोरे, पंच करी श्लोक करी विचारी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम्, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। बृहत् नारदीय पुराण के श्लोक इस कलिज में तीन बार कहते हैं हरिनाम 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 है, और नास्त्येव 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 नहीं नहीं नहीं, अर्थात कर्म ज्ञान जो तपस्या के द्वारा संभव नहीं है, और दृढ़ता के लिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम दृढ़ता के कारण यहाँ पर आगे बन गया। यही अक्का पया नाम कई नो अनुखान,
নাম হইতে নাম দইতে মোর রন্ত হইলাম ধৈর্য ধরিতে নারি হইলাম মত্ত হাসি কানি নাচি গাই হইছে মর মত্ত তবে ধৈর্য ধরি মনে করিলাম বিচার কৃষ্ণ নামে কাচ্ছন্ন হইল আমার পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে এদের নাম জপ প্রহার দেয়া শুদ্ধ হরিনাম করলে পর সেদার মেয়ে কেসে ভাব मैं पागल हूँ एवं प्रत सप्र नाम कृत्वा जतानु रागो हसति अथो रुदति रोति गायनो उमादव लिप्यति लोकवाद सुन्नं सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नमानि वितानि तदार्थकानि गायनो उमादव नृत्यति लोकवाच है श्रीमान भागवत में ये दो श्लोक और सुंदर है दिस श्लोक ये हृदय में प्रेम उत्पन्न नाम करते करते जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है साधक की दशा अभी समान हो गया महाराज जी काशी महाराज है आगे जाकर काम कैसे सर्व ये प्रधान दस्त कैसे उद्धार किया ये अधिक सुंदर है ये कथा हम आगे सुनेंगे पंचाग्रीवा सिंह वैष्णव पंखा बंद किया